यार फाइनली पीटीयू ने कुछ नोटिफिकेशन जारी कर दिए जिसका हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जिसका आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि मैं अपडेट करूं तो ट्रिब्यून ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें जो रजनीश शर्मा है उन्होंने बोला है जो पीटीयू है वो नोटिफिकेशन क्या क्या बोली है वो चीजें बताई है। तो आप ये वीडियो पूरी देखना, इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, सारी जो भी आपकी क्वेरीज है उन सबको कवर करने वाला हूं। तो ने सबसे पहले बोला जो स्टूडेंट्स फ्रॉम फार फ्लंग रीजन्स वांट नो एग्जामिनेशन, मतलब जो आउट ऑफ द स्टेट है वो चाहते हैं कि कोई एग्जाम्स ना हो। लैक ओवर द लैक ऑफ द स्टूडेंट्स है जो वेट कर रहे हैं कि क्या डिसीजन होगा क्या नहीं होगा, कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे फ्रॉम द जुलाई 1। तो ने बीच में बोला था कि जो ये कंडक्ट करवा रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स फ्रॉम द जुलाई 1, जितने फैकल्टीज वगैरह हैं वो हैंडल कर रहे हैं सारे क्वायरीज जितनी भी स्टूडेंट्स से आ रही है थ्रू आउट द डे। तो उन्होंने बोला कि जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं रजनीश शर्मा ने बोला कि हमने जब डिसाइड किया था कि ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे ओवर 14,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि J&K से हैं और वो चाहते हैं कि हमारे एग्जाम्स ना हो, तो उन्होंने इस डिसीजन को अपोज कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं दे सकते क्योंकि जो वहाँ की जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ही कम है, 2G से भी कम आती है और बाहर जाना तो उनके लिए इम्पॉसिबल टाइप ही है क्योंकि इंटर स्टेट वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं COVID-19 की रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो वहीं पे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बोला था कि हम वेट कर रहे हैं UGC के इंस्ट्रक्शन का एंड MHRD की इंस्ट्रक्शन का ताकि हम उस पर डिसीजन ले सकें, जब तक उधर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आती है कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं अबाउट द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो UGC एक्सपेक्टेड कर रही थी कि टू अनाउंसमेंट करे ऑन 22 जून को, जिसके बाद ही जो पंजाब गवर्नमेंट है वो कोई डिसीजन ले सकती है एग्जामिनेशन कैरी करने की नहीं करने। तो ये बोले कि एट द सेम टाइम इनके पास बहुत कॉल्स आ रही हैं, बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं, बहुत जीमेल्स आ रही हैं जिसको इनके जो स्टाफ फैकल्टीज है वो हैंडल कर रहे हैं डे बाय डे, बट उनको देखते हुए वो बोल रहे हैं सारे बोल रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो ना लिए जाए, हमको प्रमोट किया जाए। सो करंटली वी आर हैंडलिंग an overload of inquiries coming via the various mode including the phone, social media, etc. Public relation officers share many students have been calling us and telling us not to take their exams and promote them on the basis of their previous examinations. वो ही बोल रहा है कि जो previous examination के basis पे इनको promote किया जाए, यही सारे students call करके बता रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जो ये बोल रहे हैं कि universities वाले कि हम promote नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आपको डिफिकल्टी आएगी, हायर एजुकेशन में डिफिकल्टी आएगी और अगर आपकी प्लेसमेंट हो रही है कहीं पे तो वहां पे आपके लिए रोड ब्लॉक हो सकते हैं। रोड ब्लॉक है सेंटेंस यूज करा है, मतलब आपको उधर रुकावटें आ सकती हैं। और कई बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमको सी ग्रेड के साथ ही पास कर दो, बट इन्होंने बोला कि आप और ज्यादा मेहनत करो, अपने इस टाइम को यूटिलाइज करो, सी से बी ग्रेड में आने की कोशिश करो, 60% अबव लेने की कोशिश करो और अपना ग्रेड है जो ओवरऑल उसको इंक्रीज करो। तो इन्होंने बोला कि जो वी सॉ फीडबैक फ्रॉम देम आस्किंग देम अबाउट द चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, अब इन्होंने बोला कि हम उनसे एग्जामिनेशन की चॉइस भी पूछ रहे हैं ऑफलाइन देना है कि ऑनलाइन देना है और ये उनको जो फ्यूचर में डिसीजन लेना है उसके लिए हेल्प करेगा। अब जो फ्रेशर्स हैं उन्होंने उनके लिए बोला गाइडिंग देम टू गो फॉर द प्री रजिस्ट्रेशन, जो फ्रेशर जिन्होंने एडमिशन लेनी है तो उनके लिए बोल रहे हैं कि आप प्री रजिस्ट्रेशन करवा लो और जो एडमिशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो आज स्टाफ जो इनके हैं वो नाउ डेज फ्री हैं तो वो हैंडल कर रहे हैं, डाटाबेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भी डाटाबेस बनना है ताकि वो इंटरेक्ट कर पाए जो भी न्यूली फ्रेशर्स हैं, सो दे कैन गेट द गाइडेंस अबाउट द वेरियस स्कॉलरशिप स्कीम्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड कॉलेज, ताकि जो भी न्यू आती रहती हैं या जो भी स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं। सेकंडली बोल रहे हैं कि जो UGC है गाइडलाइन स्टूडेंट टू टेक द एडमिशन क्लोज देयर नेटिव प्लेसेस फॉर द क्विक रीच इन द कोविड टाइम्स, देखो कुछ भी हो जाए इनको पैसे चाहिए मतलब कोविड की इतनी चल रही है और इनको चाहिए कि जो एडमिशन्स ले सकता है वो ले अपने नेटिव कॉलेजेस में, सो दे कैन एक्सप्लोर द कॉलेज विद अ बेटर फैकल्टी एंड द फैसिलिटी अराउंड देम इन दिस टाइम। भाई देखो कौन एडमिशन लेने जाएगा इस टाइम, सबको पेपरों की पढ़ी अपने होंगे कि नहीं होंगे और ये लगे हुए हैं कि अपने स्किल्स बढ़ाओ अपने ये करो वो करो। तो उन्होंने इसमें बताया कि जो एग्जाम्स की डेट है वो 22 जून तक आ जाएगी क्योंकि UGC है वही 22 जून तक अपनी गाइडलाइंस जारी करेगी। तो होप्सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जितना हो सके यार शेयर करा करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो, मैं कमेंट में सबके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता हूं, देता भी हूं। तो हो सकता है जितने से जितने आप पूछना चाहते हो क्वेश्चन क्वारीज रिलेटेड टू द एग्जाम्स जितनी भी होती हैं पूछ लिया करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और वीडियो थोड़ी पुश भी होती है आगे को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। देखो मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ डेली वीडियो लाना, कोई आसान बात नहीं है, और तो जितनी हेल्प आप करोगे मेरी उतनी मैं आपकी कर पाऊँगा। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर दो, ऐसे मैं नए नए अपडेट लाता रहूँगा। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, टेक केयर।